आज के महंगाई के दौर में जब दालें, सब्जियां, तेल, घी की कीमतें आसमान छू रही है, ऐसे में गरीब और मजदूरों के सामने दो टाइम भरपेट खाना भी एक चुनौती बन गया है। ऐसे में पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कोई भूखा न सोए संकल्प के साथ इंदिरा रसोई प्रदेशवासियों के लिए शुरू की थी। राजस्थान में सरकार बदलने के बाद भजनलाल सरकार द्वारा ये इंदिरा रसोई में खाना दिया जा रहा है, पर देखने वाली बात ये है कि कहीं न कहीं इंदिरा रसोई में जो खाना बनाकर गरीबों को खिला रहे हैं उनमें खामियां देखने को मिल रही है। इंदिरा रसोई योजना में आम जनमानस के लिए भरपेट भोजन मात्र 8 रुपए में दिया जाता है, परंतु गरीबों को 2 रुपए वापस भी यहाँ के सुपरवाइजर नहीं देते हैं, क्योंकि यहाँ पर खुले पैसे का संकट बताया जाता है। ये योजना प्रदेशवासियों के लिए संजीवनी का काम कर रही है। वहीं इंदिरा गांधी रसोई योजना आम जनमानस के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। आप देख रहे हैं राजस्थान कवरेज, जहाँ तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि रसोई में किस प्रकार से गरीबों के लिए जो खाना बनाया जा रहा है उसमें आटे में किस प्रकार से मक्खियां भिनभिना रही है, तो वहीं जो आलू सब्जी में डलते हैं वे किस प्रकार से सड़े हुए दिख रहे हैं, गैस पर जो दाल उबल रही है उसमें भी कहीं ना कहीं कचरा तैरता नजर आ रहा है। खाना खाने के बाद जो ठंडा पानी लोगों को पिलाया जाता है उसे पानी के वाटर कूलर में भी गंदगियां तैरती नजर आ रही है, और यहां पर जो आरओ लगा हुआ है वह भी खराब पड़ा हुआ है। बाबूजी बताएं, ये आप सब्जियां वगैरह बना रहे हैं, आलू पड़े हैं, खराब आलू पड़े हैं, आटे पर मक्खियां बिन बिना रही है, क्या ये इस तरह से आप लोगों को खाना खिलाते हैं? नहीं, ये गंदगी फैला रखी है, इस तरह से खाना खिलाते हैं आप लोगों को? सरकार इतना पैसा खर्च कर रही है इंदिरा रसोई में जो चल रहा है अन्नपूर्ण रसोई का, इसमें ये गंदगी हो रही है, ये आलू सड़े हुए हैं, आटे पर मक्खियां हैं, क्या आप इस तरह से काम कर रहे हैं? नहीं, मगर ये आलू 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 भी सड़े हुए हैं, आप ये यूज कर रहे हैं? सड़े नहीं है, ये अच्छे हैं। और दाल जो आप उबाल रहे हो उसमें भी कचरा है, बिना साफ करे डाल रहे हैं। क्यों नहीं होती मॉनिटरिंग समय समय पर? आखिर लोगों को गंदा खाना क्यों खिलाने पर मजबूर है? ये ठेकेदार क्या सरकार का पैसा अपनी जेब में रख रहे हैं? अब देखना ये होगा कि प्रशासन इन पर क्या कार्यवाही करता है, और सरकार इन इंदिरा रसोइयों पर लगाम लगाने के लिए कोई कमेटी का गठन करती है या नहीं। आप देख रहे थे खास रिपोर्ट राजस्थान कवरेज के साथ। खड़े हुए हैं इंदिरा रसोई पर, ये है झालावाड़ रोड पर स्थित, और यहाँ पर जो सुपरवाइजर है चंद्र प्रकाश जी, मैं पूछना चाहूंगा चंद्र प्रकाश जी, यहाँ पर इतनी खामियां नजर आई हैं और इतने टाइम से शिकायतें मिल रही हैं हमको? हम बिल्कुल आश्वस्त है सर, निगम की तरफ से पिछले फरवरी के महीने को लेकर अभी तक कोई पेमेंट नहीं है, पिछले 4 महीने से रसोई नहीं, पेमेंट नहीं आई है, उससे मतलब नहीं, जो खाना आप दे रहे हैं लोगों को, जो खाना आप दे रहे हैं ऐसा नहीं आएगा तो कैसे कहेंगे? तो आप लोगों को सड़ा खाना खिलाएंगे, सड़ा पानी पिलाएंगे, रसोई को बरकरार रख रहे हैं, पानी की यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है, तो पानी जो वाटर कूलर लगा हुआ है वो भी वाटर कूलर नहीं लग रहा, पानी जो आ रहा है निगम वाले टैंक बेचते हैं, जो बेच रहे हैं उसके लिए 3 बार कॉल करना पड़ता है। तो आप गंदा पानी पिलाएंगे लोगों को? गंदा नहीं है, बिल्कुल पानी साफ करके भरवाते हैं, साफ पानी है, 3 दिन में 4 दिन में पानी वाले को फोन करते हो, मैं आपको हफ्ते बताऊंगा पानी की और यहाँ के खाने की, जो भी है छोटी मोटी कमियां मैं मानता हूँ, छोटी मोटी कमी है, प्रॉपर स्टाफ नहीं है, छोटी मोटी कमी है, छोटी मोटी कमी है क्या आप मुझे बताएं, छोटी मोटी कमी है क्या है? आप बताना, जवाब देना, आप भटको रहे, आप जवाब दे, छोटी मोटी कमी है क्या? निकासी है क्या, नल की निकासी है क्या, छोटी मोटी कमी है क्या? आप ये बोल रहे हो निगम की तरफ से, पीने का पानी का बोल रहा हूँ, पीने का पानी भी गंदा पिलाएंगे आप लोगों को? पीने का पानी का हाँ वो करवा देंगे, टैंक वगैरह, तो माने कितने से आप गंदा पानी पिला रहे हैं लोगों को? खाना गंदा खिला रहे हैं, साफ पानी है, राजस्थान का हकीकत दिखाएगा आपको, बिल्कुल बिल्कुल, जो चीज है बिल्कुल हम मान रहे हैं, पानी का है निगम की तरफ कोई व्यवस्था नहीं है, पानी बाहर से तो आप मत चलाइए, आपके पास नहीं आ रहा है तो आप क्यों चला रहे लोगों को खाना खिला रहे हैं गंदा? हम लिखित में कंप्लेंट कर चुके हैं, क्यों खाना खिला रहे हैं गंदा और पानी खिला रहे हैं लोगों को? आप गंदा पानी और खाना खिला रहे हैं उसके लिए निगम से हम भी बात करेंगे, आगे हम भी बात करेंगे, आप गंदा खाना और गंदा पानी पिलाएंगे लोगों को? सर दिस इज मैटर नो, ये मैटर पर मैं कोई बात, इसका ये टेंडर, इसका टेंडर है, जिसका भी टेंडर है आपको नंबर मिल जाएगा, आप संपर्क, तो कहीं ना कहीं आप देख रहे हैं जो
यहाँ पर खामियां नजर आई हैं, उससे ये भागते नजर आ रहे हैं। और जो ये ठेकेदार है जिनके द्वारा ये इंदिरा रसोई चलाई जा रही है, सरकार का कहीं ना कहीं जो पैसा लगा हुआ है, सरकार से जो पैसा लिया है स्वादिष्ट खाना देने के लिए आम नागरिकों को, वो कहीं ना कहीं खामियां यहाँ पर देखने को मिली है। और जो ये सुपरवाइजर थे ये अपनी जिम्मेदारी से भागते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर जो लोगों के लिए खाना स्वादिष्ट बनना है वो खाना भी स्वादिष्ट नहीं दिया जा रहा है। पानी की यहाँ पर व्यवस्था बहुत गंदी है। दिन भर की सारी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें राजस्थान कवरेज को और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप रहे अपडेटेड हमेशा।